बड़ी मुश्किलों के साथ आज तो कोहू खूब ही रो गई क्योंकि भीड़ उसकी कोहू कोहू उठो बाबू उठ जाओ, अब 7 o'clock तक हमें निकलना है नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। उठ जाओ उठ जाओ। अरे मेरा बेटा उठ जा, अरे मेरी शोना, नहीं आ रही, गाड़ी में सो जाना चलो ठीक है। उठ जाओ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। मैं तो सुबह जल्दी उठ गई, नींद में भी बोल दिया इसने व्लॉग, मैं तो सुबह जल्दी उठ गई, नहा लिया, तैयार हो गई। बस अब कोहू के पापा गए हैं तैयार होने के लिए, उसके बाद कोहू फिर हम निकलेंगे मथुरा के लिए। कोहू हो गई है तैयार और कोहू ने देखो अपने मुंह पे लोशन लगाया था और ये नोजी पे लगा रह गया है। इसको सही कर लो, दिखाओ हट गया। चलो थोड़ा सा माथे पे भी लगा हुआ है, थोड़ा सा माथे पे भी है। हाँ बस नींद में हो अभी आप। कोहू ने हमें थोड़ा सा लेट करवा दिया, कॉर्नफ्लेक्स धीरे धीरे खा रही थी और वो भी पूरे नहीं खाए। हमने 7 o'clock निकलने का सोचा था बट 7:20 हो गए। चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, फिर भी हम सोच रहे कि थोड़ा टाइमली पहुँच जाएंगे। तो बस अब निकलते हैं और कोहू बोलो राधे राधे। राधे, जर्नी भगवान के नाम से शुरू होनी चाहिए ना, है ना? राधे 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 बोलो, बोलो नहीं बो बो, राधे राधे बोल बो, पता नहीं क्या बोलती हो। अरे बस बो, BOW वाला। कोहू आगे जाके बैठ गई है और अब कोहू को भूख लगाई है, अपने कॉर्नफ्लेक्स चॉकोस खा रही हैं। नींद नहीं आई तुम्हें? नहीं नहीं, भूख लगाई लेकिन, है ना? हाँ। ये तो अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। हाँ ये तो अच्छी बात है। बस हम पहुँचने वाले हैं, सिर्फ 15 मिनट का रास्ता रह गया है। कोहू को तो बड़ी बेचैनी हो रही थी, कब पहुँचेंगे। और अभी पता है थोड़ी देर पहले क्या बोल रही थी कि हमें एरोप्लेन से आना चाहिए था। इसको लगता है कि सब जगह एरोप्लेन जाता है, देख तो लो मथुरा भी एरोप्लेन से आती। खूब भीड़ हो रही है बाहर मंदिर में, पता नहीं भीड़ मिलेगी नहीं, आरती तो हो चुकी होगी, बस भीड़ ना मिले, हमें थोड़ा सा बैठने को मिल जाए आराम से, है ना? किसी भी हद तक रास्ता रोकना तोड़ना। चलो चलो परेशान हो गया, खूब तो रोना ही आ गया भीड़ में है। कोई बात नहीं, परेशान में तो थोड़ी सी हवा ले लो, है ना? पहले तो लस्सी पीनी, अब लस्सी ली वो भी देखो किस ग्लास में, चाय के ग्लास में। दर्शन तो हो गए लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ। आज तो कोहू खूब ही रो गई क्योंकि भीड़ उसके ऊपर गिरे जा रही थी। कोहू ही आपको बताएगी कि आज कोहू के साथ क्या हुआ। कोहू बताओ अपने फ्रेंड्स को क्या क्या हुआ, क्यों रोने लग गई थी? क्योंकि सब लोग मेरे को धक्का मार रहे थे। सब लोग मेरे को धक्का मार रहे थे। एक्चुअली ना होता ही यही है, सबको रहता है बस हम आगे पहुंचे और सब धक्का मार मार के आगे जाना चाहते हैं। बट चलो अब जो भी हुआ दर्शन तो हो गए, अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। वैसे तो धूप बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन अब हम जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल। कोहू को फिर से एक बार पैदल चलना पड़ रहा है और वो मना कर रही है चलने में क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। रिक्शा में बैठ गई कि मुझसे चला नहीं जा रहा, है ना? है, थोड़ा सा चल नहीं सकती थी।
हाँ इतना थक गई हूँ। हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है बाहर, तो हमने इस्कॉन टेम्पल में भी दर्शन कर लिए, अब हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। इस गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया आज तो, लेकिन कुओं ने इस्कॉन टेम्पल में इंजॉय किया, इसे वहाँ अच्छा लग रहा था, बोल रही थी कि भीड़ कम है यहाँ पर। फाइनली हम अपने घर वापस आ गए। कुओं ने तो आते ही टीवी देखा सबसे पहले, पापा कैन आई वॉच टीवी, मम्मा कैन आई वॉच टीवी। कुओं का तो बस यही रहता है, सो ही नहीं है, इतनी अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। और इतनी अच्छी बात की कुओं ने कि उठ भी गई, नहा के गई थी। हमें तो ये लग रहा था कि कहीं पता नहीं उठेगी, नहाने में ड्रामा व्रामा ना करे, बट नहा ली। लेकिन बस थोड़ा सा यही हो गया कि थोड़ा गर्मी की वजह से और भीड़ की वजह से कुओं परेशान हो गई, अदरवाइज़ तो सब अच्छा रहा। कुओं कह रही कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा सा खराब लगा भीड़ की वजह से। ज्यादा अच्छा थोड़ा खराब, ज्यादा अच्छा थोड़ा खराब। लेकिन चलो बेटा, पता है ऐसे मंदिर वाली जगह पे ना ऐसे ही होता है, भीड़ भाड़ होती हमारे है। हमारे नीचे यहाँ जो मंदिर है वहाँ होता है ऐसे नहीं, ये तो यहाँ हमारी सोसाइटी का मंदिर है। जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं ना, वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ना सोसाइटी वाले। और आपने देखा जब सोसाइटी में शिवरात्रि पे जाते हैं हम पूजा करते हैं, तब कितनी भीड़ होती है, तब भी होती है। तो ऐसे वो ना बड़ा बहुत फेमस जगह है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है वहाँ पे, है ना। लेकिन ऐसे परेशान नहीं होते गर्मी में, ठीक है, और रोते नहीं है, थोड़ी सी हिम्मत रखते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आपको थोड़ा पता चल गया है ना। सब मेरी एनर्जी जा रही थी और एक बार तो चली भी गई थी, फिर भी धक्का 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 धक्का। कोई कोई लोग ऐसे ही करते हैं, बहुत तेज तेज की धक्का देते हैं, ये भी नहीं देखते कि छोटा बच्चा है। कोई कोई लोग नहीं, ज्यादा लोग, सारे लोग कर रहे थे मुझे धक्का। लेकिन चलो कोई नहीं, आज आपने भगवान जी की ब्लेसिंग्स ली है ना। चलो अब अपने फ्रेंड्स को बोल दो बाय बाय बाय। अगर हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर। बाय बाय, राधे 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 राधे, अगले ब्लॉग में मिलेंगे।